शीट नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। सर डाउट देखो, एक चीज समझ लो, इस पूरी शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम किए थे। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, तो रेडियस का फॉर्मूला एम वी बाई बी क्यू होता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? अगर तो वेलोसिटी गिवन है फिर तो बात ही खत्म, आंसर आ गया। लेकिन कभी कभी वो आपको काइनेटिक एनर्जी देता है इंस्टेड ऑफ वेलोसिटी, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 एम इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई पी क्यू। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है? और कभी कभी वो आपको पोटेंशियल देता है, तो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू क्यू इंटू पोटेंशियल डिवाइडेड बाई बी क्यू। ये फॉर्मूला क्लियर है? अब ये मत कहना क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, वो अंडर रूट के अंदर है, वो बिना अंडर रूट के कैसे कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। ये तीन फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, आपकी आधी मतलब टेंशन तो ये दो फॉर्मूला ठीक कर देंगे, क्योंकि या तो क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आता है या क्वेश्चन पोटेंशियल की फॉर्म में आता है, जिससे भी आएगा वो फॉर्मूला लगा लेना, या वेलोसिटी की फॉर्म में आता है, बात ही खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं यूज होता, ठीक है? यहाँ तक लगा के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपने 2 पूछा, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पता है इलेक्ट्रॉन का क्यू, नेक्स्ट तो एक्सेलरेटेड वो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, देखो ना वी दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी दे रहा है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द मोशन, यानी कि पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल, तो रेडियस बताओ क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया, 2mqv/bq। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज आपको पता है, और पोटेंशियल भी आपको पता है। आंसर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, बस v है या काइनेटिक एनर्जी है, जो गिवन है वैसा फॉर्मूला लगा के आंसर। क्लियर है यहां तक? सर इस क्वेश्चन में 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है, ऐसा है क्या कि ठीक आ रहा है? क्या किसी का 8.4 सेंटीमीटर आ रहा है? सेंटीमीटर आ रहा है क्या? mm mm नहीं आ रहा, सेंटीमीटर आ रहा है। हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? पर मेथड ये लगाना, मेथड चेंज मत करना, जो भी आ रहा है आप लगा के देख लो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। 4 में क्या गिवन है? कौन है? इलेक्ट्रॉन है। फिर से क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी कितनी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई करके किसमें आ जाएगा? जूल। तो के पता है, इस बार रेडियस पता है, और आपको क्या निकालना है? बी बताना है। तो रेडियस का फॉर्मूला एनर्जी की फॉर्म में अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बी क्यू। क्वेश्चन में रेडियस पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, पहला आंसर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड होती क्या है? ना टाइम नहीं होता, वो तो फिर नाम टाइम पीरियड हो जाता, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब कि एक सेकंड में कितने चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या किया था? 2πm/bq। तो टाइम पीरियड को पुट करके फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट हो गया। 5, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए अनडेविएटेड बिल्कुल सीधा चला जाए, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। किया था 6 नंबर केस हमने, किया था ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो E/B इसका आंसर होगा, राइट? नेक्स्ट यही क्वेश्चन है, 6 में डाउट। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, 7th में फाइंड फ्लक्स डेंसिटी। ये एक नई टर्म है या नया नाम है, फ्लक्स डेंसिटी और बी में कोई फर्क नहीं होता। तो बी के कई नाम हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स डेंसिटी। क्यों बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, अगले चैप्टर में पता लगेगा। तो ये बी निकालना है, क्या गिवन है? 62.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब पक्की बात है क्या होती है? ये काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी नाम नहीं लिखा तब भी एनर्जी का मतलब बाय डिफॉल्ट ये काइनेटिक एनर्जी ही है। तो ये जूल में कन्वर्ट कर लेना,
सर्कुलर पाथ में रेडियस गिवन है इसमें 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है रेडियस, तो क्या निकालना है, बी निकाल, तो फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ 2mk/bq। तो इस बार रेडियस पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज पता है, के पता है, क्या जाएगा, बी आ जाएगा, फॉर्मूला भी यूज हो रहा है एक, ठीक है यहां तक। और सर पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती? तो ठीक है पोटेंशियल ले लो, पर इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए क्या चाहिए, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दो चार्जेस चाहिए होते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r। पोटेंशियल नहीं हो सकती क्योंकि चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है। और अगर कोई यस कह, सर, हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर कोई चार्ज को पोटेंशियल दे दे जिसे वो मूव कर रहा है, तो हाँ चार्ज इंटू पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी है, पर अल्टीमेटली वो किस फॉर्म में नजर आएगी, इलेक्ट्रॉन की मोशन में, इलेक्ट्रॉन की मोशन यानी कि फिर से कन्वर्ट हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ही होती है। ओके सर। सेवेंथ की जगह एट्थ, नाइन्थ, नाइन्थ में यस सर, व्हाट शुड बी द मिनिमम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इक्वेटर ऑफ अर्थ। देखो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इक्वेटर ऑफ अर्थ वाला हमने पहले भी छोड़ा है, इक्वेटर हॉरिजॉन्टल फील्ड्स ये भी आना है अगले चैप्टर में, इसलिए इसको छोड़ा जा रहा है, ये नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, इसका डायग्राम है, कितने लोगों को समझ में आ गया, कितने को डाउट है, डाउट है। देखो कुछ ना लंबी सी कहानी सुना रहा है, पहली बार जब फोटो देखते हैं क्वेश्चन की तो ना पहले वो चार लाइनें देखते हैं, फिर साथ में ना नजर आती है एक डायग्राम पे। डायग्राम में मुझे अगर मैं क्वेश्चन ना पढ़ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि दो स्लिट्स हैं, दो ओपनिंग है, कुछ चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं और कुछ नीचे जा रहे हैं। तो देखा मैंने ऊपर नीचे क्या प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, तो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो चार्ज पार्टिकल आता है और कुछ ऊपर कुछ नीचे और कुछ सीधा चला जाता है, एक स्लिट से निकल के दूसरी में बाहर निकल जाता है, क्लियर है यहां तक। अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि ये चार्ज पार्टिकल एक जैसे नहीं है, कोई चार्ज पार्टिकल तो नेगेटिवली चार्ज है तभी तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है तभी तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और कोई मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो सीधा जा रहा है, और अगर वो सीधा जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जो सीधा जा रहा है, दो दो फील्ड्स हैं ई और बी दोनों, वेलोसिटी होगी ई डिवाइडेड बाय बी, सही है यहाँ तक, ई बाय बी, कोई डाउट इसमें। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मतलब डायग्राम से इतनी बातें समझ में आती हैं। क्वेश्चन है, स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल पोजेसिंग अ रेंज ऑफ स्पीड्स एंटर रीजन वन आफ्टर पासिंग टू स्लिट S1 है, रीजन वन देयर एग्जिस्ट अ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वी गिवन, तो वी दे रहा है वो ई दे रहा है सॉरी, अब वो कह रहा है पार्टिकल एमर्जिंग फ्रॉम स्लिट इनटू रीजन टू टू हैव अ फिक्स्ड वेलोसिटी ऑफ 1000, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन वन, कुछ नहीं कर रहा वो कह रहा है जी इन में से बस मैं उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा हूँ जो सीधा आ रहे हैं, और जो सीधा आ रहे हैं उसकी वेलोसिटी 1000 है, जो सीधा आ रहे हैं उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई बाई बी, क्वेश्चन में वो आपको ई तो दे ही रहा है, सॉल्व करके बी पूछ रहा है, बी आंसर आ गया, कहानी है ऊपर चार लाइनों की, है कुछ नहीं, डायग्राम डराने के लिए बना रहा है, कहानी सुनाने, अब ये तो भी छोटा लेवल है, एनसीईआरटी इसके भी ऊपर जाएंगे, वो देंगे पैसेज, ये तो देगा चार लाइन, वो देगा कम से कम 14 लाइनें, वो बढ़ाएगा कहानी कि कोई कोई जो है कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था जी, और एक लैब में बैठा था जिसका नाम राम श्याम जो भी बताएगा, तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और कैपेसिटर की प्लेट्स ली, उसने एक मशीन ली जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती थी, फिर एक्सपेरिमेंट करते करते उसने कुछ पार्टिकल्स उसमें स्लिट वन में पास किया, वो बाहर निकले, उसने ऑब्जर्व किया अपने ऑब्जर्वेशन में कि कुछ पार्टिकल तो पॉजिटिव तरफ चले गए, वो सारे पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज थे, कुछ नेगेटिव तरफ चले गए वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज, और कुछ देखा गया कि वो अनडेविएटेड चले गए, तो जब वो अनडेविएटेड गए तो उनकी पार्टिकल की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड थी, और वहाँ पर उस टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो 100 थी, तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग बी निकालना है,
इतनी 14 लाइनों पर समझाएगा ये क्वेश्चन, वही सेम चीज़ वो एक लाइन की है, फिर क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का और आंसर होगा वी इज इक्वल टू ई बाई बी। इसे बोलते हैं पैसेज टाइप क्वेश्चन, देखने में बड़े अंदर कुछ नहीं होता, जितने आपने पैसेज किए होंगे कुछ बेकार की कहानी सुनाता है, सबको पता है वो तो आइडिया देता है कि ये फॉर्मूला भी बीच में बता देता है, अंदर कुछ नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि, और ये आने एनसीईआरटी के सैम्पल पेपर में इस बार दिया हुआ है कि ये फॉर्मेट जो है वो चेंज्ड है, पैसेज असम्पशन रीजनिंग इसके बेस पे 50% पेपर तैयार होने वाला है। ठीक है यहाँ तक?